अभी ये नीचे से रबर बैंड बांध दे मैं। मैंने बताया था ना पाए तो वो दुल्हन का था। हाँ वो तो दिख रहा था लेकिन बहुत सिंपल था दुल्हन के हिसाब से, क्योंकि उधर ढका रहता है ना साड़ी, तो उसमें वो चल जाता है। मान लो कहीं पे कोई ढकना नहीं चाहता तो बहुत स्टाइलिश होना चाहिए ना। इसे देखा दिखाती और स्टाइलिश वाला भी दिखाती आपको। हमारे जमाने में बहुत कल्स कराया करते थे मालूम है, कम से कम 40 साल की बात पहले। अभी इसको करना ही टाइट है ना, उसको अभी दो सेक्शन में डिवाइड करना है। और ये जो है ना ऊपर डाल देंगे। एक मिनट पहले देख लूं, एक बार दिखा दो। हाँ। अभी ये देखो हम लोग एक ऊपर का लिए, एक नीचे का लिए। तो ऊपर वाले इसमें है ना, ये देखो दो भाग करने। दो भाग, और जो नीचे वाला है ना वो जाएगा ऊपर थोड़ी देर के लिए। तो ऐसे किसी चीज से भी आप टच कर सकते हो या किसी को किसी की मदद लो पकड़ने के लिए। फिर अभी क्या करना है, अभी जो पहले लिया था ना हम लोग ने एंगल में, वैसे भाग लेना है, एंगल में लेना है। ठीक है, अभी ये सबको एक साथ लेना है, ये वाला और ये वाला, और ये बांध देना है। और अभी इसको टाइट बांध देना। आगे तक ये इसको करना है ऐसे टक, देखा ऐसे बांध देना है इसको। अभी आपने वीडियो ले लिया है ना, तो घर पे जाके एक बार वीडियो देख लो, मतलब जो क्लियर हो जाएगा दो तीन बार देखने से, या फिर देख देख के कर लो बराबर, वो भी आपको अच्छा लगेगा। अभी ये जो है ना ये आएगा नीचे, और ये जो है ना ऊपर वाला देखो इसको थोड़ा स्प्रेडिंग करना है। अच्छा, ऐसा स्प्रेड करना है इसको। हाँ, देखो आपने ऊपर वाला नीचे गिराया। हाँ। और वो हिस्सा ये है बराबर। हाँ। तो और फिर अभी इसको भी दो हिस्से कर लिए, अभी ये स्प्रेड कर लिया ऐसे, ये देखो ऐसे स्प्रेडिंग कर लेते हैं हमको। ठीक है, ये भी हिस्सा है ना, इसको भी अभी दो भाग में करने का। और ये जो नीचे वाला है वो ऊपर जाएगा फिर से, ये फिर से ऊपर जाके यहाँ पे टप कर देना है, किसी की मदद से पकड़ के लेना है। तो अभी हमको करना है और इसके साथ में बांध देना है, ये जो है इसके साथ में बांध देना है। अभी ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको भी आपको कर देना है स्प्रेडिंग। फिर अभी ये जो भाग है ये भी जाएगा नीचे, और ये भाग है वो जाएगा ऊपर। सेम प्रोसेस करनी है आपको लास्ट तक। ठीक है, अभी इसको इसके साथ लेना है।